विंग कमांडर अभिनंदन जो थे 2005 टू 2007 में जब मैं भुज में पोस्टेड था तो ही वॉज पोस्टेड देयर एज ए फ्लाइंग ऑफिसर, जो कि फर्स्ट पोस्टिंग होती है 37 स्क्वाड्रन भुज में थी। तो और मेरी जो इनके साथ जो है डेली ब्रीफिंग हुआ करती मॉर्निंग इवनिंग की, क्योंकि ये फ्लाइंग ब्रांच थी और मेरी मेडिकल ब्रांच थी, तो मैं इनसे डेली सुबह शाम जब भी ये फ्लाइट उड़ने से पहले मेडिकल में सुबह शाम मिलते थे, और ये भी मैच में रहते थे और मैं भी मैच में रहता था, और शाम के टाइम जब हम खेलने जाते थे बैडमिंटन तो हम दोनों इकट्ठा खेला करते थे। पाकिस्तान अब भेजना पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि ये मीडिया में आ चुका है और वो बिल्कुल सही सलामत है, उनको गिरने की वजह से कोई भी चोट नहीं लगी है, और जब गिरने की वजह से कोई भी चोट नहीं लगी है तो अब किसी को कोई राइट नहीं है कि किसी को सोल्जर को अननेसेसरीली ब्रूटली उसको हर्ट करे। इससे पहले एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट चिकेता से आज से आई थिंक 10-12 ईयर्स पहले जो उनको भी उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने पकड़ा था, बट उन्होंने उनको मतलब बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा था। तो इस केस में मुझे लगता है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात ये यूनाइटेड नेशंस के सारा का सारा वर्ल्ड जो है न्यूज देखने लग रहा है और वो खुद फिट है वो इस टाइम पे, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आर्मी कोई ऐसा काम करेगी जिससे कि उनको कल को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े सोल्जर के लिए। हम भुज में इकट्ठे थे 2005 टू 2007 मिड, तो 2007 मिड के बाद मैं उनसे नहीं मिला, तो आज ऑलमोस्ट जो है 10-12 साल हो गए। तो मुझे आज जब मैंने उनका टीवी पे देखा तो मुझे मेरी पुरानी बातें याद आ रही थी कि भाई कैसे वो फ्लाइंग ऑफिसर थे जब तो बिल्कुल इनिशियल एंट्री पे थे, अब तो वो उनकी भी सर्विस जो है 13-14 साल से भी ज्यादा की हो चुकी है, अब तो विंग कमांडर बन चुके हैं, तो ही इज एट अ क्वाइट सीनियर लेवल, बट ही वॉज एट अ वेरी जूनियर लेवल एट दैट टाइम इन द भुज व्हेन आई वॉज पोस्टेड ओवर देयर। पता चला कि भाई विंग कमांडर अभिनंदन जो MiG-21 जब भी वहां फ्लाई करते थे तो मुझे एकदम मेरा पुराना टाइम याद आ गया कि जब वो खड़े होकर हाथ सबसे पहले उठाते थे कि मैं ही करूंगा। तो अब मेरे को भी आज मुझे ये लगा कि भाई सवेरे जब ब्रीफिंग हुई होगी तो उन्होंने जब उस टाइम पे भी यही बोला होगा कि आज जो है पहली शॉर्ट टीम मैं जाऊंगा, और वो इन्होंने मुझे लगता है ही हैज डन हिज जॉब फॉर द कंट्री, और इससे ज्यादा कुछ भी एक्सपेक्ट पायलट से कि भाई एक जो है एक दूसरे का एनिमी का उनका गिरा दिया हो। मैं ऐसे बंदों के साथ एसोसिएटेड हूं और मैंने भी खुद जो है अपनी एयरफोर्स सर्व करी है, तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई वर्दी की पहचान जो है सिविलियन पॉपुलेशन में ज्यादा हो रही है, इससे पहले जो बीच में कमी हो गई थी, बट आज जब भी जाते हो तो गर्व से महसूस होता है कि भाई आपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करा है। वीरता तो सर ये देखो हर जितने भी सोल्जर हैं सारे के सारे उनके ब्लड में ही होता है कि भाई वो पैदा ही देश के लिए हुए हैं, वो हमेशा, और ये जो मौके हैं ये हर बारी हर एक को अलग अलग कई बारी नहीं भी मिल पाते ही, तो आज जो है मेरे हिसाब से उनको वीरता का मौका मिला और उन्होंने पूरा शौर्य दिखाकर अपनी कंट्री को उन्होंने प्राउड फील करवाया। तो भगवान से ये प्रेयर करूंगा कि भाई वो उनको सही सलामत उनके पेरेंट्स के पास भेज दे और वो दोबारा से कंट्री के लिए कुछ ना कुछ और करें उनके एयरफोर्स के लिए। उनके फादर जब वो उस टाइम पे ही वॉज एयर कमोडोर जो कि हमारी ब्रिगेडियर रैंक के बराबर होती है, तो ही वॉज एयर अटैची टू फ्रांस। अभी जो लेटेस्ट जो मुझे आज ही सुनने में आ रहा था ही रिटायर्ड एज एयर मार्शल।